बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान, एक ऐसे एक्टर जिनको अपनी फिल्मों और एक्टिंग के साथ साथ अपने काम को लेकर उनके परफेक्शन के लिए भी जाना जाता है। आप चाहे उनकी कोई भी फिल्म देख लें, थ्री इडियट्स, दंगल, जो जीता वही सिकंदर, तलाश, पीके, फना, गजनी और पता नहीं कितनी फिल्में, उनकी हर एक फिल्म में कुछ नया और अलग देखने को मिल ही जाता है। अब अगर 2001 में रिलीज हुई फिल्म लगान की ही बात कर ले तो इस मूवी के लिए भी आमिर खान ने कितनी मेहनत की थी ये तो फिल्म में देखकर पता ही लग जाता है, पर इसके साथ साथ फिल्म से जुड़े कई अनसुने किस्से हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिकी जड़िया और स्वागत है आपका बॉलीवुड ऑफ स्क्रीन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लगान फिल्म ने आमिर खान के करियर का ग्राफ काफी ऊंचा कर दिया था, वो उसमें काम करने के लिए राजी तक नहीं थे। इस बात का खुलासा अभिनेता ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि जब आशुतोष उनके पास फिल्म की कहानी लेकर पहुंचे थे तो पहली बार में उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आमिर ने इंटरव्यू के दौरान बताया था, मैंने आशुतोष को समझाया कि तुम्हारी पिछली दो फिल्में फ्लॉप रही हैं, तुम थोड़ा अच्छा काम कर लो। मेरी ये बातें सुनकर वो निराश हो गए और 3 महीने के लिए कहीं गायब हो गए। आमिर खान ने आगे ये भी बताया था कि इसके बाद भी आशुतोष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 3 महीने बाद दोबारा आमिर को फोन किया। इसके बाद दोनों की फिर से मुलाकात हुई। इस बार आमिर को कहानी में बदलाव थोड़ा पसंद आया। भले ही अभिनेता को फिल्म की स्टोरी पसंद आ गई थी, लेकिन वो इस बड़े बजट की फिल्म को प्रोड्यूस करने से थोड़ा कतरा रहे थे। हालांकि बाद में वो मान गए और फिल्म के निर्माता के तौर पर जुड़ गए। रिलीज के बाद ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया। फिल्म लगान की कहानी अगर आपको याद हो तो इसमें गांव वालों को क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनका अंग्रेजों के साथ एक मैच होता है। फिल्म के बड़े हिस्से में गांव वालों को क्रिकेट सीखते हुए भी दिखाया गया है और इसमें खास बात तो यह है कि ज्यादातर एक्टर्स को सच में क्रिकेट खेलना आता ही नहीं था। दरअसल आशुतोष ने यह सुनिश्चित किया कि उन्होंने ऐसे अभिनेताओं को कास्ट किया जिनका बिल्कुल क्रिकेट से कोई बैकग्राउंड नहीं था या उन्होंने कभी इस खेल को खेला ही नहीं था, ताकि वो स्क्रीन पर गेम सीखते हुए असली दिखें। लेकिन आमिर खान और राज ही केवल इसमें एक्सेप्शन थे, इसलिए आशुतोष ने अभिनेताओं को फिल्म के सेट पर खेल की प्रैक्टिस करवाई थी। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही डेट पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हों और दोनों ने ही छप्पड़ फार कमाई की हो, लेकिन साल 2001 में ऐसा करिश्मा हुआ था क्योंकि सनी देओल की गदर और आमिर खान की लगान दोनों की जबरदस्त फिल्में थी। गदर भारत पाकिस्तान पार्टीशन के बीच एक लव स्टोरी थी तो लगान भारत पर अंग्रेजों का शासन और एक चुनौती की कहानी थी। साल 2001 में गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। 19 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान की लगान फिल्म का बजट गदर से थोड़ा ज्यादा ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगान को करीब 25 करोड़ रुपए में बनाया गया था। कमाई की बात करें तो इसका इंडिया नेट कलेक्शन 34.35 करोड़ रुपए था, तो वहीं वर्ल्ड वाइड इसने 58 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी रेस में सनी देओल की फिल्म आगे ही रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगान फिल्म का चंपानेर गांव असली नहीं बिल्कुल नकली था। नकली गांव को बसाने के लिए 3000 लोगों ने काम किया था और सिर्फ 6 महीने की मेहनत के बाद ही खेती वाली जमीन को एक गांव की शक्ल दे दी थी। आशुतोष और आमिर का मानना था कि अगर फिल्म में रियलिटी का लुक देना है तो अंग्रेज एक्टर्स ब्रिटेन से बुलवाने पड़ेंगे। जरूरत के अनुसार 11 ब्रिटिश खिलाड़ी, 3 बड़े एक्टर और लगभग 30 जूनियर एक्टर ब्रिटेन से भारत लाए गए थे। इस फिल्म के लिए ब्रिटिश एक्टर्स को भी खूब मेहनत करनी पड़ी थी। बता दें कि लगान के विलेन कैप्टन रसेल की भूमिका निभाने वाले पॉल ब्लैकथॉर्न ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि शुरुआत के लिए 3 महीने तक मुझसे हिंदी और घुड़सवारी सीखने के लिए कहा गया था। मैंने बार बार हिंदी की अपनी लाइनों की खूब प्रैक्टिस की। ये सब मेरे लिए इतना मुश्किल था कि एक बार तो मैंने सोचा कि ये सब छोड़कर वापस इंग्लैंड चला जाता हूं। 4 महीने लग गए, तब कहीं जाकर मैं स्क्रिप्ट के हर शब्द को समझ पाया। तो ये थे कुछ अनसुने किस्से फिल्म लगान के। ऐसे ही किस्सों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।